मैं संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के सिमरई गांव में शराब व भांग का सेवन करने से अचानक आधा दर्जन लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद 3 लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में जब पुलिस ने आगे की जांच शुरू की तब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। SP चक्रेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व प्रधान की तरफ से गांव के लोगों को रिझाने के लिए दावत का इंतजाम किया गया था, जिसमें शराब का भी इंतजाम करना था, पर समय पर कहीं भी हरियाणा की शराब का इंतजाम नहीं हो पाया। ऐसे में प्रधान पुत्र ने पास की ही एक जगह से पेंट की दुकान से रंग में मिलाने वाला थिनर खरीद लिया और उसमें पानी मिलाकर ग्रामीणों को शराब बताकर पिला दिया, जिससे अचानक लोगों की हालत खराब होने लगी, जिसके चलते 3 ग्रामीणों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है, वही 2 आरोपी फरार हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। 2 दिन पूर्व थाना गुन्नौर के अंतर्गत सिमरई नामक गांव में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें उस समय प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ था कि इनके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ तथा भांग का मिश्रण का सेवन किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। जब इसमें पूरी जानकारी की गई, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो आज ये बात निकलकर सामने आई है कि गाँव के प्रधान, जो एक महिला प्रधान है, इनके पति कल्याण सिंह, इन दोनों के द्वारा तथा इनके पुत्र अजन पाल के द्वारा अपने घर पर कई दिनों से ग्रामवासियों को शराब ठेके से मंगाकर पिलाने का कार्य किया जा रहा था। शिवरात्रि के दिन इनके पास शराब समाप्त होने पर इन्होंने एक राकेश नामक युवक को संपर्क किया और उससे हरियाणा वाली शराब मांगने की बात कही, लेकिन उसको बाहर से लाई हुई शराब यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई। अतः उस राकेश नामक युवक ने इनके पुत्र अजन पाल के साथ मिलकर चुनावी में स्थित एक पेंट की दुकान पर मिलने वाला थिनर खरीदा। थिनर को ये लोग लेकर अपने घर पर आए, घर की छत पर बैठकर इन्होंने थिनर में उसे 200% वाटर, कोल्ड वाटर मिलाकर एक नशीला पदार्थ तैयार किया, जिसको इन्होंने शराब खत्म हो जाने पर और ठेके से शराब न मिलने के कारण ग्रामवासियों को परोसा। उस अपमिश्रित पदार्थ को पीने तथा उसके पश्चात भांग खाने के कारण करीब 6 ग्रामवासियों की तबीयत खराब हुई, जिनमें से 3 की मृत्यु हुई तथा 3 का उपचार अभी भी चल रहा है। इनकी हालत तभी सामान्य है। इसके साथ में जो व्यक्ति जिसकी दुकान से पेंट की दुकान से थिनर खरीदा गया, उन दोनों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें से उनका नाम भुवनेश तथा उनका पुत्र शिवम, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों अलीगढ़ में एक लाइसेंसी डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके यहाँ से पेंट में यूज होने के लिए जो थिनर मंगाया जाता है उसके ड्रम मंगाते हैं और उसको अपने पेंट की दुकान से बेचते हैं। इनके द्वारा यह जानते हुए कि ये राकेश नामक युवक इस थिनर का पीने में प्रयोग कर सकता है, इसको बेचा, अतः इनको भी इसमें मुलजिम बनाया जा रहा है। इसके साथ में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग अभी फरार हैं, पप्पू तथा अजनपाल, ये 2 लोग अभी फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में मुकदमा कारित किया गया है धारा 304 व आबकारी अधिनियम की 60A के अंतर्गत। इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। हम लोग बहुत जल्दी ही इसकी प्रभावी पैरवी करके इस मामले में जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक करते हुए इन लोगों को सजा दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ में आबकारी विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा इस घटना के पश्चात इसको गंभीरता से लेते हुए पूरे जनपद में जितनी भी देशी शराब की दुकानें हैं उन पर उनसे सैंपलिंग, उनसे उनके यहाँ चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 100 दुकानों की चेकिंग की गई। इसके साथ में अवैध शराब के कुल 8 अभियोग विभिन्न विभिन्न थानों में पंजीकृत किए गए। कुल 11 लोगों को गिरफ्तार अन्य थानों में किया जा चुका है। यह अभियान हम लोगों का पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार चलता रहेगा। किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा मैं समाज में यह संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर पेंट की दुकान से ऐसा महसूस होता है कि वो थिनर पीने के उद्देश्य से खरीद रहा है, तो इसलिए सारे जो दुकान वाले हैं उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी जगह पर ना बेचें, इससे इस तरह की कैजुअलिटी होने की संभावना है। साथ में आबकारी विभाग के द्वारा और पुलिस की टीम के साथ में जो इस गाँव के पास के 2 देशी शराब के ठेके हैं, एहतियातन उनसे सैंपलिंग करते हुए उनसे पुराने जो उनके पास भंडारण है उसकी बिक्री पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं।